अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए सिवान के सिसवन ढाला पे और आप देख सकते हैं ये सिसवन ढाला का जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे जब भी अगर आप आते हैं तो लगभग एक एक घंटे तक ये रेलवे क्रॉसिंग का जो बैरियर है ये बंद रहता है, जिसको लेकर के लोगों की परेशानी बढ़ी रहती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक मालगाड़ी जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि लोग भी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, ये बैरियर को क्रॉस करके भी लोग चले गए हैं ट्रैक के पास। अगर किसी तरह की कोई बड़ी घटना घट जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो लोग कहेंगे कि रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है। तो ये सवाल है कि आखिरकार बड़े बड़े नेता जो दावे करते हैं कि जो इसका ओवरब्रिज है वो बन जाएगा, पास हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हो सका है। लोगों की जो परेशानी है वो काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मरीज अगर है वो यहाँ पर आकर के फंस जाता है। कई तरह की बातें हैं, कई बार इस खबर को दिखाया गया लेकिन आज तक कोई निदान निकालने का प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, कितनी परेशानी होती है, कितना देर तक यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है? सर, यहाँ पर आधा घंटा रुकना पड़ता है, कभी 10 मिनट रुकना पड़ता है। बहुत परेशानी है, सब लोगों का परेशानी है, मेरा परेशानी नहीं है। जब भी देखिए तब जाम वाम सब एकदम लगा रहता है। तो इसका निदान अभी तक कुछ नहीं निकल पाता है। ये कितने दिनों से आप लोग आते जाते हैं यहाँ पर? बहुत दिन से आते जाते हैं हम लोग। क्या कारण होता है कि आधे आधे घंटे तक, एक घंटे तक रुकना पड़ता है यहाँ पे? अब ट्रेन आ रही है तो रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पूरा ढाला हुआ, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं यहाँ से निकलने का? नहीं, दूसरा रास्ता नहीं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे, आप देखिए ये अभी बैरियर खुला हुआ, अभी जस्ट खुला है बैरियर, लगभग हमें लग रहा है कि 20 मिनट के बाद स्थिति लगातार यहाँ पे देखी जाती है। लगातार लोग रहते हैं और परेशानी बढ़ती रहती है। 20 मिनट का बात नहीं है, एक एक घंटा डेढ़ घंटा ये बंद रहता है, ठीक है। और यहाँ का क्या कहें, देखिए जैसे, एक मिनट रुकेंगे, देखिए जैसे बैरियर खुला लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भागे। जाहिर तौर पर फिर से कब बैरियर गिर जाएगा यह कोई नहीं जानता। यह स्थिति है सिसवन ढाला जो रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ की, और इसमें आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोगों को बस ये है कि किसी तरीके से यहाँ से भाग करके निकलना है, क्योंकि कब ये रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाए, कितने देर के लिए आदमी फंस जाए, इसका कोई नहीं जानता। कोई इसका माँ बाप जिसको कहा जाता है, कोई मालिक इसका नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है, इसमें सब निकम्मा सरकार है, इसमें क्या करेगा वो? बस ये होता है, टेंडर हो गया है, कितना बार पता चला है तो टेंडर हो गया है। मंगल पांडे उद्घाटन भी करने वाले हैं, अब उसके बाद इसका कोई मैंने चर्चा ही नहीं होता है, अब समझ लीजिए। लेकिन बड़े बड़े नेता तो कहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि पास करवा दिए हैं, ये करवा दिए हैं, वो करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक देखा गया कि कहीं कुछ नहीं। वो सब अपने लिए मतलब करते हैं ताकि हमको वोट मिले, हम जीते, हम बहुत अच्छा बहुमत से हम जीते हैं, ये दिखावा है। अभी इलेक्शन आएगा ना, इलेक्शन के समय देखिएगा क्या होता है, ये सब पब्लिक को। कितने देर तक बंद रहता है ये सब? एक घंटा कभी रहता है, कभी दो घंटा भी रहता है, मैंने ढाई अरे 5 मिनट के लिए खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है कब ये बंद हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उधर से, लेकिन अब यहाँ से जाइएगा उस वो रोड भी खराब है, लक्ष्मीपुर होकर भी अगर जाइएगा तो पूरा घूम करके जाना पड़ता है। अगर कोई मरीज हो तो ये मर जाएगा यहाँ, मरे उधर चार चक्का गाड़ी तो जाइबे ही नहीं करेगा, मरीज होगा तो इधर से कोई रास्ता ही नहीं है, इसका कोई उपाय। तो बिल्कुल ये स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिसवन ढाला जो है वो बिल्कुल एक एक घंटे तक बंद हो जाता है। और जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग खुला तो लोगों की स्थिति देखिए कि क्या है। कुछ बाइक वाले हैं, इनसे बात करते हैं। एक मिनट भैया, ये जो ढाला है कहा जाता है कि बहुत देर तक बंद रहता है, बहुत बहुत डिस्टर्ब रहता है, और हम लोग बिजनेसमैन हैं, सामान लाना जाना बराबर रहता है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। कस्टमर भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाग जाते हैं, इतना लेट हो जाता है ढाला पे। तो कितने देर तक बंद रहता है ये? लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा बहुत देर तक बंद रह जाता है, बहुत देरी तक बंद रहता है, एक घंटा डेढ़ घंटा। लोग धूप में परेशान हो जाते हैं, कभी बारिश में लोग परेशान हो जाते हैं। मरीज भी तो यहाँ फंस जाते होंगे एक घंटा अगर बंद रहता होगा तो? हाँ, बहुत फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि एम्बुलेंस फंसे रह जाते हैं उसमें, जो पेशेंट होते हैं बहुत मजबूर हो जाते हैं, वो कोई विकल्प रास्ता नहीं है कि वो जाता। लोग सुनते नहीं है? नहीं, कोई नहीं सुनता है किसी का। तो ये आलम है सिसवन ढाला ओवरब्रिज की। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे जो यहाँ पे रेलवे का जो क्रॉसिंग है, जो ढाला, ये बैरियर जब उठता है तो लोग चाहते हैं किसी तरीके से भागें, क्योंकि ये कब बंद हो जाएगा,
ये कोई नहीं जानता है। ओवरब्रिज बनाने की बात होती है लेकिन किसी भी नेता के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर के काफ़ी परेशानी होती है लोगों की। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि कितनी परेशानी होती है, कैसे ये लोग फंस जाते हैं इस रेलवे क्रॉसिंग पे आकर। आप बताया जाए सर, कितनी परेशानी होती है इस रेलवे क्रॉसिंग पे? बहुत परेशानी होती है। परेशानी तो होती है, तो आप लोग क्या अपने कुछ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जाके AEN साहब से भी मिले हैं। AEN साहब ने जो है बताया है कि जो है ये ओवरब्रिज जो है हो गया है, होने वाला है। हम लोगों ने NOC दे दिया हुआ है। रेलवे ने जो ऑब्स्ट्रक्शन लगाया था कि जो है यहाँ से जो है NOC जो है नहीं मिला था रेलवे के तरफ से, जिसकी वजह से काम नहीं मिल हो रहा था, वो NOC मिल गया यहाँ के IOW। आखिर ये काम कब तक होगा, ये क्यों नहीं वो लोग बताते, उनसे आप लोग क्यों नहीं सवाल करते? ये तो सवाल थोड़ा AEN सिवान और IOW जो है उनसे भी थोड़ा सवाल कीजिए। जरूर हम लोग तो करेंगे। इससे पहले जब DRM यहाँ आए थे तो मैंने खुद ही खड़ा होकर कहा था कि भाई यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, घंटों लाइन लगी रहती है और गाड़ियाँ आती है, एक घंटा तक बंद रहता है, एक घंटे तक बंद रहता है। तो मरीज भी इसमें फंस जाते होंगे, जान भी चली जाती होगी, कई एक मरीजों की जान गई है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई इसका मतलब, इसके लिए तो आंदोलन आप लोग भी तो करना चाहिए। बिल्कुल। IPF की तरफ से हमको लगता है कि परसों जो है यहाँ लोग बैठे हुए थे, सिग्नेचर वगैरह कराया था, बैठे थे। परसों जो है IPF की तरफ से लोग बैठे हुए थे। चलिए देखिए, ये कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा भैया साइड में आ जाइए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। कितनी परेशानी हो रही है बताइए आप? बहुत परेशानी है, मेरी माँ बीमार थी, अभी जाने में पूरी ट्रैफिक की वजह से मेरे को 5 किलोमीटर वापस जाके फिर जाना पड़ा। इतना सालों से यहाँ गवर्नमेंट देख रही है, यहाँ बिहार सरकार पूरा देख रही है, यहाँ कितना जाम, डेली जाम होता रहता है। कितने देर तक ये बंद हो जाता है और कितनी परेशानी होती है, किस तरह की? 5 मिनट के लिए सिर्फ खुल रहा है, 5 मिनट में तो पूरा जाम ही हो जाता है, 5 मिनट के अलावा उससे ज़्यादा नहीं खुलता। जब भी आओ यहाँ पे तो ये ढालू गिरा हुआ है। नेता तो दावा करते हैं कि ओवरब्रिज पास हो गया है, तो बनता क्यों नहीं है? हाँ, बहुत 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग बचपन से देख रहे हैं यहाँ पे, आज बन रहा है कल बन रहा है, इसके लिए बहुत सारा हम लोग ये भी उठाए थे, स्ट्राइक में भी लोगों के साथ पूरा खड़े हुए थे कि यहाँ इस ब्रिज को बनाया जाए। बहुत ज़्यादा ये बिजी रोड रहता है, सुनवाई नहीं है, जनता मर रही है लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं है। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप लोग तो लोकल रहने वाले हैं, क्या होता है ढाला पे जब क्रॉसिंग पे आते हैं, कितने देर तक बंद हो जाता है? सबसे ज़्यादा परेशानी, दो परेशानी इस इस्लामिया नगर के लिए है। पहली परेशानी ढाला है और दूसरी परेशानी ये सड़क है, जो मेन सड़क जो इस्लामिया नगर में जा रही है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब है, पूरा पानी लगा हुआ है, लेकिन न प्रशासन का कोई ध्यान है, न जनप्रतिनिधि का, दोनों के दोनों उदासीन है इसके प्रति। और ये ढाला तो हम लोगों के लिए मुसीबत है, दो घंटा इस ढाला पर खड़ा होना पड़ता है, सारा काम हम लोगों का रुक जाता है, परेशान हम लोग हैं। दो घंटा तक बंद रहता है, जब मालगाड़ी की शंटिंग होती है इधर मालगाड़ी, आप जी बताइए, जो इधर मालगाड़ी है, माल देखिए, ये गोदाम है, ये एक मालगाड़ी का गोदाम, इधर दिखाइए, ये सारा ट्रक लगा रहता है, जब मालगाड़ी आती है तो ये सारे ट्रक पर माल लोड करके शहर में जाता है और इसी से जाम लगता है। अब जब जाम लग जाएगा तो दो घंटे लंबी लाइन लग जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी परेशानी ये नाला दिखाइए ना सर, रोड का तो काफ़ी परेशानी हम देखे हैं, आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, वहाँ पे गड्ढे हैं, लोग गिर भी जा रहे हैं, अभी हम भी गिरते गिरते बचे हुए हैं। कल एक महिला गिर गई, छोटा बच्चा लेकर महिला गिर गई, हमने उसको उठाया। तो भैया इसके लिए आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, केवल आप लोग ये बताइए कि आप लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर मीडिया कितना आप लोगों की आवाज़ को उठाती है? आंदोलन नहीं करने का मतलब ये है कि सारे लोग बाहर के आकर बैठे हैं, बसे हुए हैं, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, जान पहचान नहीं है, नई कॉलोनी है, मोहल्ला तो है नहीं, गाँव तो है नहीं, इसलिए आंदोलन नहीं हो रहा। अभी मान लीजिए कि अभी 5 मिनट पहले ये बैरियर खुला हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे जो सहयोगी हैं आशीष कुमार गोलू की दिखाएं, ये बैरियर अभी उठा हुआ है, लोग चाहते हैं कि जल्द जितना जल्द हो हम लोग भागे ताकि ये बैरियर फिर से ना गिर जाए। कितने देर के लिए ये बैरियर उठता है और फिर कितने देर के लिए गिर जाता है? अभी फिर देखिए गिर जाएगा, अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा और फिर गिर जाएगा, यहाँ यही होता है। अभी आ रहा है ना, देखिए सब गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, गाड़ी क्लियर नहीं होगी, गाड़ी खत्म नहीं होगी जब तक बैरियर, फिर गिर जाएगा, ये है यहाँ की परेशानी। ये कोई इमरजेंसी में है या फिर किसी तरह कहीं ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, विलम्ब तो होना है, एकदम विलम्ब होना है, निश्चित तौर पर विलम्ब होना है। मरीज है, उसको ले जाने में तो मालूम चलेगा कि यहीं पे उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है, बैरियर को तोड़ा गया, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, यहाँ मरीज मर गया,
डेढ़ घंटा तक यहाँ बंद रहा मरीज। आप क्या चाहते हैं, किसकी पहले लापरवाही आप इसको? इसमें तो प्रशासनिक लापरवाही ज्यादा है, बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही है इसकी। कई बार आप लोग भी सुने होंगे कि इसको पास करा दिया गया इसके ओवर ब्रिज को, तो फिर बनता क्यों नहीं है? दो काम होना चाहिए सर आपके माध्यम से, मैं दो बात प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को दोनों को पहुंचाना चाहता हूं। या तो इस माल गोदाम को हटा दिया जाए यहां से, माल गोदाम को हटा देने से आधी परेशानी खत्म हो जाएगी, या इसका बाईपास रास्ता बना दिया जाए और या इसका ओवर ब्रिज बना दिया जाए। ओवर ब्रिज बना देने से इसको पूरी तरीके से जो यहाँ पे दिक्कतें हो रही है वो समाप्त हो जाए। कोई काम एक जल्दी होना चाहिए, या बाईपास में बना दिया जाए। ये जो ट्रक है बताइए क्या हुआ है, बताइए। बहुत आदमी मरा हुआ है यहाँ, बहुत जाम लग रहा है, ब्रिज का नहीं बन रहा है यहाँ पे, ब्रिज जरूरी है। यहाँ कोई बाईपास हुआ है, अंदर डाला बन गया है ब्रिज, बैरवा लक्ष्मीपुर बन गया है, चार ढाला बन गया है। नहीं बनता रुको भाई, अब ये नहीं बनता, हमको क्या पता क्या नहीं बन रहा है सर। दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत है पूरा पास, देखिए कितना पब्लिक भरा हुआ है, कितना जाम लग रहा है। खुलता कितने देर के लिए फिर बंद? एक घंटा बंद होता है, 10 मिनट के लिए खुलता है, अभी 5 मिनट के लिए खुला है, अभी बंद होगा। ये इतना ट्रेन पास हो रही है, ट्रेन का जो टाइम हो रहा है तो ढाला बंद, भले पब्लिक मर जाए, माँ चौदह आ जाए, कोई जाए, उसे मतलब नहीं है। देखिए काफी आक्रोश है लोगों के अंदर, काफी आक्रोश है इस सिसवन ढाला का जो रेलवे क्रॉसिंग है इसको लेकर के, इतना ज्यादा आक्रोश है कि किसी दिन बड़ी यहाँ पे बड़ा बवाल हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते इस पे ध्यान दे, ताकि जिस तरीके से लगातार लोगों से बात हो रही है, लोगों में जो आक्रोश देखा जा रहा है, एक एक घंटे तक बैरियर यहाँ पे गिर जाता है और खुलता है तो 5 मिनट के लिए। अभी हम यहीं पे हैं, अभी हमारे सामने खुला है, लेकिन 5-7 मिनट में यहाँ पे बंद हो जाएगा। जाहिर तौर पे दोनों तरफ से लोगों का जो है आने जाने का सिलसिला है वो जारी है, और अगर किसी की तबीयत खराब होती है, अगर एक घंटे तक यह बैरियर गिरा रहता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। और इसी तरीके से लोगों में जो आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से प्रयास करके यहाँ ओवर ब्रिज बनवाए, ताकि लोगों की जो समस्या है उसे दूर किया जा सके। देखना होगा कि कब तक सिसवन ढाला पे ओवर ब्रिज बनता है, या फिर नेता अपनी राजनीतिक रोटी इसी तरीके से सेकते रहेंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।